नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों ये आज ये हमारे टैंक का जो है कि अमोनिया एकदम जीरो हो गया है। आज नहीं, 3 दिन पहले हो गया था, लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए मैं वीडियो दे नहीं पाया आप लोगों को। तो ये आज मैं इसका TDS, PH और अमोनिया तीनों टेस्ट करके दिखाता हूँ। और पानी का क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। मोलेसिस मुझे जो है कि ज़्यादा नहीं लगा। अभी मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि 20 से 22 दिन जो है मोलेसिस आपको लगता है। तो एक भाई साहब यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत मतलब उल्टी सीधी बोली है बात कि 20 से 22 दिन बाद क्या करेंगे, उसके बाद मोलेसिस नहीं डालेंगे। भाई आपका अमोनिया जो है कि बढ़ेगा नहीं, तो मोलेसिस क्यों डालेंगे आप। वैसे अमोनिया सब लोगों का 25 से 28 दिन में कंट्रोल होता है, लेकिन इसका अमोनिया हमने जो है कि 17 से 18 दिन में कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो ये टैंक कब लगा है और कब इसमें वाटर प्रिपरेशन हुआ है, कब इसमें सेट डाला गया है, टोटल A to Z वीडियो आपको मिलता रहेगा, डाला हुआ है आपको मिल जाएगा। तो इसका TDS देखिए, हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि इसका TDS हमने कितना रखा हुआ है। और टैंक के पास लिखा हुआ है, ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी जो है कि ड्रेन किया था, तो इसका अभी TDS जो है 1600 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका TDS, इतना ठीक है। 1500 से 1800 तक TDS आप रखिए। और इसका टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, 28 डिग्री के आसपास चल रहा है टेम्परेचर अभी। और इसका मैं अमोनिया जो है कि आपको जो है कि सेटल करके रख देता हूँ, उसमें क्या थोड़ा टाइम लगता है। आधे पानी में मैं चेक करता हूँ यहाँ से, लेकिन ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या रिजल्ट इसका सही आता है, तो मैं आज पूरा 5 ml पानी का जो है कि चेक करके दिखाता हूँ, कोई किसी को समस्या ना होने पाए। ये 5 ml आपका पानी हो गया टोटल। और इसमें अभी मैं सोल्यूशन डाल देता हूँ जो लिक्विड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा ये सेटल होने में समय लगता है, आप लोग जानते ही हैं। तो अभी आपको हम pH इसका कितना रखे हुए हैं, हम ये इसका pH भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा पास ले आओ भाई, ये थोड़ा सेटल होने में समय लगता है। ये 8.4 ही है इसका pH, और ये ठीक है, इससे नीचे जाएगा थोड़ा, ऊपर तो जाएगा नहीं। 8.3 8.4 के आसपास में आ रहा है, 8.3 पे ही स्टेबल हो गया है। ये ठीक है, एकदम बराबर है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये pH आपका एकदम ठीक है, एकदम pH से एकदम फर्स्ट क्लास आ गया आपका। और हमने जो है कि एक पोल डाला था कम्युनिटी में, उसमें जो हमने पूछा था कि आप लोगों के जो सवाल हैं उस पर जो है कि कमेंट बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, तो उस पर जो है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है कि 94% के आसपास जो है कि लोगों ने बोला है कि नहीं, मुझे जो है कि हमारे आंसर का जो है कि जवाब चाहिए। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा मैं व्यस्त चल रहा था, अभी थोड़ा फ्री होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दुकान में थोड़ा कम काम हो गया है अभी। तो इसके बाद मैं जो है कि अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा, और बाकी जो सीरीज चल रही हो तो कंटिन्यू चलेगा ही, बीच बीच में यह भी वीडियो आती रहेगी। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि एरिएशन हमको कैसे देना है, तो एरिएशन जो है कि आप देख लीजिए टैंक का, दिखाइए एरिएशन। तो ये इस तरह से जो है कि आप 3-3 फुट करके बीच में जगह रख सकते हैं, 3 फुट का जगह बहुत ही अच्छा जगह होता है। और ये लोग पूछ रहे थे कितना नीचे तक कर रखना है, तो आप ज़मीन से टोटल 1 इंच जो है कि ऊपर रखिए, ताकि स्टोन नीचे घिसे नहीं।
एक इंच ऊपर रखिए, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आपका अच्छा अगर एरिएशन है तो कभी भी कोई दिक्कत आपको ना ही अमोनिया की शिकायत आएगी, ना ही इसमें नाइट्राइट बढ़ेगा और ना ही अदरवाइज कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। एरिएशन आपको बायोफ्लॉक में बहुत ही बेस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये अमोनिया देखिए हमारा एकदम पूरा जीरो हो गया है, 0 PPM अमोनिया है इसमें, एकदम टोटल 0 PPM अमोनिया है, एक भी जो है कि परसेंट इसमें अमोनिया नहीं है। लोग बोलते हैं कि 0.25 रह जाता है, लेकिन जब अमोनिया आपका जो है कि इसमें ख़त्म होता है तो 0.25 क्यों रहेगा भाई, जब पूरा कम हो जाएगा 8 PPM के तक चला जाता है, उसके बाद आपका पूरा कम हो रहा है तो 0.25 क्यों रहेगा, ये जीरो नहीं हो गया है, पूरा टोटल एकदम 0 अमोनिया है, ठीक है दोस्तों। तो यही अपडेट देना था आप लोगों को कि अमोनिया आप जब चाहें जब जीरो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके लिए आपको इस पर भी वीडियो कंटिन्यू बनते रहेंगे, लेकिन भाई बारी बारी से बनेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि FCO का जो है कि फार्मूला, बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है FCO का, लेकिन उसका भी और जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। FCO तो मैं दो तरह से जो है कि बनाता हूँ, लेकिन जो मुझे जिसका रिजल्ट अच्छा मिला है वो वाला फार्मूला मैं आप लोगों को दूंगा, थोड़ा उसका भी टाइम आने दीजिए। अभी सीड स्टॉकिंग वाला जो है कि पार्ट चला था पिछली बार में, अभी जो है कि आगे का जैसे जैसे पार्ट आता जाएगा उस तरह से वीडियो आती चले जाइए, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बस थोड़ा सा फ्लॉग दिखाओ तो कैमरे से, ठीक से पकड़ के दिखाना भाई, पानी में गिरा मत देना। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा पानी, क्योंकि एरिएशन बहुत अच्छा है तो फ्लॉग जो है कि कम दिख रहा है, इसमें बबल्स भी बन रहे हैं। तो दोस्तों यही अपडेट था, हम आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, और अब जल्दी जल्दी वीडियो आने बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।